तो दोस्तों, आप किसी भी डिज़ाइन को इस तरीके से बना सकते हैं अगर आप कपड़े पे अपने डिज़ाइन को छापे ना हो तो। हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये कपड़ा प्लेन है और इस पे हम एक डिज़ाइन बनाएंगे जो कोडिंग वर्क डिज़ाइन होगा। और कोडिंग वर्क की एक डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी करेंगे और ये एक आइडिया है। अगर आपके पास कपड़े पर डिज़ाइन ना हो तो आप कागज़ के ऊपर एक डिज़ाइन की आइडियाज़ को आप कपड़े पे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं इसको भी आप इस वीडियो के ज़रिए देखें। उसके लिए आपको नीडल में मैचिंग कलर का धागा लेना है और ये डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप आउटिंग कर लेंगे। और आउटिंग कर लेने के बाद आप देखेंगे कि बहुत ही ईजीली आप इस डिज़ाइन को कपड़े पे ट्रांसफ़र कर चुके हैं। इस कागज़ के ज़रिए बनाने से एक ही फ़ायदा है कि आपका काफ़ी टाइम बचेगा, क्योंकि आप किसी भी खाके को बनाएंगे तो उसमें लंबा प्रोसेस होता है जो कि आपको पूरा करना होता है। और इस कागज़ की मदद से आप अपने एक आइडिया को कपड़े पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फिर उसको आप बना सकते हैं। ये जो छोटी छोटी पत्तियां आप देख रहे हैं इसको हम रहने देते हैं, इसको हम ऐसे ही बना लेंगे बाद में। अब हम इस कागज़ को निकाल देंगे। कागज़ निकाल देने के बाद आप देखेंगे कि मैचिंग कलर का धागा आपके इस कपड़े पे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र हो चुका है, जिसे आप आसानी से इस डिज़ाइन को देख सकते हैं और उसमें आप फिलअप कर सकते हैं। तो ये जो है आप गोटा लेस पट्टी देख रहे हैं, इसकी मदद से हम आज कुछ डिफरेंट वर्क करेंगे। जो वर्क डोरी में कंप्यूटर मशीन में किया जाता है उसको कोडिंग वर्क कहते हैं। अब आप जैसे कि देख रहे हैं ये लेस पट्टी है, तो इसकी साइज गोल तो होगी नहीं डोरी की तरह, तो हम इसे खींच के और इसके लेंथ को बढ़ाएंगे और इसको स्ट्रेच करने से ये गोल हो जाएगा। आप देख सकते हैं अभी गोल हो चुका है। गोल करने का यही मकसद है कि हम इसे कोडिंग वर्क डिज़ाइन बनाएंगे जो डोरी की तरह बिल्कुल गोल होनी चाहिए। और मशीन में नायलॉन का थ्रेड रखेंगे जो कि आप कोडिंग वर्क करते टाइम नायलॉन आपका आसानी से इसके ऊपर छिप जाएगा। सबसे पहले इसको आप ब्रेक से लॉक कर लेंगे और धीरे धीरे इसको अपने शेप के अकॉर्डिंग उसके ऊपर आपको नायलॉन का थ्रेड चलाना होगा। देखिए कितनी आसानी से हमने इसे एक पत्ती के शेप में बना दिया है। तो दोस्तों, चलिए आपको इसी तरीके से पूरा फिलअप करके दिखा देता हूँ। और ध्यान रहे कि पूरा फिलअप नहीं करना है, ये बीच बीच में हल्का हल्का स्पेस छोड़ना होता है आपको, तब जाके ये कोडिंग वर्क जैसा दिखेगा। दोस्तों, इस काम को आप डोरी का काम भी बोल सकते हैं, जो कि सेविंग मशीन से करने के लिए आपको बॉबिन में डोरी भर के करना होता है, लेकिन डोरी का काम इस चैनल पर आपको ऐसे ही मिलेगा। अब इसमें हम ये धागे को ऐड करेंगे जो कि डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे कि बहुत ही कमाल का ये डिज़ाइन लगने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें। इसमें अब अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमने पत्तियां बना ली, जो कि आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि वो छोटी पत्तियां जो थी वो बाद में बनानी थी हमको। तो इसी तरीके से दोनों बाजू आपको इन पत्तियों को सेट कर लेना है। अब इस डिज़ाइन के सारे पेटल्स को आप आउटिंग करेंगे इसी डार्क वाले धागे से।
जो आप देखेंगे कि आउटिंग होने के बाद काफ़ी कमाल का इसमें हाईलाइट मिल रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी डिज़ाइन को आउटिंग करके हाईलाइट दे सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर नए हैं और आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है, तो वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बीच बीच में भी हम कुछ बना लेते हैं क्योंकि बहुत खाली खाली सा दिख रहा था। दोस्तों, अब इस येलो कलर के धागे से इन सारे ब्लू पत्तियों को आउटिंग करेंगे, जो कि आउटिंग होने के बाद काफ़ी कमाल का रिस्पॉन्स आएगा। तो ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये बनने के बाद काफ़ी कमाल की फिनिशिंग और फैंसी वर्क लग रहा है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।